Payal, good to see you. Same here. You are very vocal about everything which is happening in the industry or out of the industry. Tell us, what's your take on the Tandav controversy which is going on? See, मैंने वेब सीरीज देखी नहीं. आई वॉज शूटिंग फॉर माई फिल्म रेड. तो लेकिन सोशल मीडिया में मैंने जो देखा तो मुझे लगा कि अगर किसी डेटी को, किसी फेथ को तुम डिग्रेड करते हो तो सेंटिमेंट को हर्ट होगा ही. और क्योंकि हमारे पास पावर है, क्योंकि हम ए लिस्टर्स है, क्योंकि हम बड़े डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप किसी के रिलीजन को ठेस पहुँचाओ. तो वो क्या सच है क्या गलत है हम उसमें नहीं जाते, लेकिन सबका एक फेथ है, सबके एक बिलीव है, चाहे वो कोई भी रिलीजन को हो. तो ये किसी का भी हक नहीं बनता है कि किसी के रिलीजन को छोटा करने का या शो डाउन करने का. आई कम्प्लीटली कंडेम दिस. अब ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री से भी नोटिस आ गया है, क्या कहना चाहेंगे, सही शुरुआत है उनकी तरफ से? हाँ बिल्कुल, ये बंद होना चाहिए. क्योंकि हमने बहुत सारे आगे भी काफ़ी सारे फिल्म्स में देखे हैं कि इसको मजाक बनाया जाते हैं. जो हम जिसको बिलीव करते हैं, जिसके पूजा करते हैं, जिसके लिए आराधना करते हैं, जिनके लिए फास्टिंग करते हैं, उनको फिर तुम छोटा दिखाओगे तो सेंटिमेंट को हर्ट होगा ही. तो ये चीज़ आज जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी सामने आए हैं, योगी जी सामने आए हैं, और इस बात को कंडेम करने के लिए और ये बंद करने के लिए जो उन्होंने प्रस्ताव रखे हैं वो बिल्कुल सही है. और ये पहले ही होना चाहिए था, लेट हो गया, लेकिन अभी जो हो रहा है सही है, ये होना चाहिए. इवन आज मैंने एक ट्वीट भी किया था जावड़ेकर जी को रिक्वेस्ट करके कि सर मतलब जितना जल्दी हो वेब सीरीज़ OTT प्लेटफॉर्म में भी सेंसर बोर्ड आना चाहिए, बहुत जल्दी होना चाहिए. क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म भी मिसयूज़ हो रहा है, सिर्फ सेंटिमेंटल वाइज भी नहीं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिखाया जा रहा है जो बच्चों के लिए अच्छा नहीं. क्योंकि एवरी किड्स कैन एक्सेस OTT प्लेटफॉर्म नाउ, एवरीबडी हैज स्मार्टफोन बच्चे लोगों के हाथ में. तो हम लोग ऐसे कुछ भी कंटेंट नहीं होना चाहिए जिससे बच्चों के फ्यूचर भी ख़राब हो सकते हैं. पायल, अब अली अब्बास जफर, सैफ अली खान और प्राइम, अमेजोन प्राइम, किसे ज़्यादा जिम्मेदार मानती हैं आप? देखिए, डायरेक्टर ने अपने हिसाब से फिल्म बना दी है, एक्टर ने उसके लिए एक्टिंग कर ली, लेकिन अमेजोन ने इसको एक्सेप्ट किया है सब कुछ जानने के बावजूद. तो गलती सबसे ज़्यादा अमेजन की है, जिन्होंने बनाया. अगर तुम रिफ्यूज़ कर देते तो ये चीज़ सामने ही नहीं आती, प्रचार भी नहीं होता. लेकिन आपने इसको एक्सेप्ट करके अपने OTT प्लेटफॉर्म में डाले हो तो सबसे ज़्यादा, मतलब उनके थॉट प्रोसेस, एवरी इंडिविजुअल हैज़ देयर ओन थॉट प्रोसेस, हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं. लेकिन ये जो OTT प्लेटफॉर्म है जिनके सारे ऑडियंस फ्रॉम डिफरेंट फेथ, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट थिंग्स, सब कुछ है इनके ऑडियंस, इनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि हम क्या चीज़ को खरीद रहे हैं और क्या लोगों को दिखाना चाहते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. तो अमेजन ने जो किया बहुत गलत किया और आई टोटली कंडेम दिस. क्या मानती है कि सैफ अली खान जैसे ए लिस्टर हैं, पावरफुल बंदे हैं, अली अब्बास जफर भी यशराज कैंप से रहे हैं, पावरफुल डायरेक्टर हैं, उनको भी सोचना चाहिए था, समाज के प्रति उनकी भी जिम्मेदारी है? वो बिल्कुल है उनके. मैं वही बोल रही हूँ, इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस के ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते. लेकिन व्हेन इट कम्स टू मी, अगर मैं हूँ और मुझे पता है, आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टूअर्ज द सिटीजन ऑफ द कंट्री, टूअर्ज द व्यूअर्स ऑफ द कंट्री, एंड आई एम वन ऑफ समबडी हु पीपल लुक अप टू, देन उस वहाँ पर एक जिम्मेदारी आ जाता है. तुम पर्सनल, तुम्हारा कुछ भी थॉट प्रोसेस हो, तुम्हारा पर्सनल कोई भी वेद हो या बिलीव हो, हेट्रेड हो, लव हो, जो भी हो, लेकिन व्हेन यू आर डूइंग समथिंग फॉर द कंट्री, फॉर द पीपल, देन तुम्हें बहुत कुछ सोच समझ के करना चाहिए. एक बार अमित जी ने कहा था, बीइंग अ स्टार यू शुड बी वेरी वेरी फोकस्ड एंड यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू से, व्हाट यू डू, व्हाट यू टॉक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अभी देखो ये इतना कॉन्ट्रोवर्सी इसीलिए हो गया कि ये बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, इतने बड़े फिल्म बनाए हैं उन्होंने, सैफ अली खान जी, उनके वो इतने बड़े एक्टर हैं, इनके होने के बावजूद अगर वो लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं तो मैं तो मानती हूँ कि बहुत गलत है. मुझे अगर मैं हिंदू हूँ, अगर मुझे ऐसे कोई फिल्म बोला जाए करो कि जिसमें किसी और रिलीजन को ठेस पहुँचे, गलत सही वो अलग बात है, लेकिन किसी को ठेस पहुँचे तो वो चीज़ मैं शायद ना ही करूँ. आप ये कह रही हैं कि एज एन डायरेक्टर, एज एन सैफ अली खान,
वो चाहते तो इस बात से इनकार, इस प्रोजेक्ट से इनकार, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते थे उनके, रादर ही कुड हैव चेंज द स्क्रिप्ट। बड़े एक्टर्स करते हैं कि गलत लग रहा है, ये हमें नहीं करना चाहिए, इसको थोड़ा चेंज करके ऐसे प्रेजेंट करो दैट किसी के सेंटिमेंट हर्ट ना हो, लेकिन ऐसे वहाँ पे नहीं हुआ है। रादर आई फील लाइक दे आर इनकरेजिंग थिंग्स, इससे क्या होगा ना, हेट्रेड बढ़ेंगे, हेट्रेड जब बढ़ेंगे ना तो फिर अपने ही देश में हम अलग हो जाएंगे। Correct.